क्लास थर्ड लेसन नाइन पानी अनमोल है। इस पाठ को आज हम वीडियो के द्वारा देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है? ठीक है। पानी के क्या क्या उपयोग है, क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? चलिए पहले हम देखते हैं पानी का उपयोग किन किन चीजों में होता है। और हम पानी को नहाते समय भी इस्तेमाल करते हैं और जमीन पोछते समय भी। पानी का इस्तेमाल तो खाना बनाते समय हमेशा होते रहता है ना? सिर्फ हम मनुष्यों को ही नहीं, जानवरों को भी पानी चाहिए रहता है। और पौधों के बारे में क्या, पौधों को भी बड़ा होने के लिए पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है। और कभी कहीं आग लग जाए तो हम पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी करते हैं। तो पानी के बहुत से अलग अलग उपयोग है। इसका मतलब यह है कि हम पानी के बिना बिल्कुल नहीं जी सकते। तो याद रखिए बच्चों, पानी बहुत कीमती है और बहुत उपयोगी है। तो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिए। अगर आपको कहीं नल खुला दिखाई दे तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। हमें पानी बचाना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। बच्चों, पानी का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? पानी पेड़ों में लगाना चाहिए और खाने पीने के लिए, और कहीं आंच लग जाए तो बुझाने के लिए पानी चाहिए, और कहीं पानी फैल रहा हो तो बंद करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ पशु पक्षियों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या जिंदा रहने के लिए? ठीक बच्चों, पानी हमें क्यों बचाना चाहिए? पानी बहुत कम है, इसलिए हमें कहीं पानी चला हो तो हमें बंद करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ हम पानी किस किस प्रकार से बचा सकते हैं? हम नहा रहे हो तब बचाना चाहिए, और जब बासन धो रहे हो तब बचाना चाहिए, जब कपड़े धो रहे हो तब बचाना चाहिए, जब जानवरों को नहाना चाहिए तब बचाना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ऐसे जीव का नाम बताओ जो पानी से बाहर निकालने पर जीवित नहीं रहता। मछली। कौन? मछली। वेरी गुड। आपके गांव में पानी कहां कहां से आता है, कौन बताएगा? हाँ, समुद्र में से। तेज बता, समुद्र कहां है अपने गांव में? कहां से? हाँ, पाताल से। वेरी गुड। बच्चों, तुम्हें ये वीडियो देख के मोबाइल पे कैसा लगा? अच्छा। पाठ समझ में आ गया? जी। वेरी गुड।